तो भी गाड़ी कर दी भाई कोल्ड स्टार्ट यहाँ पे, एंड ये खड़ा है जावा। तो फटाफट से करते हैं हम ब्रेकफास्ट भी निकलते हैं यहाँ से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, यानी कि डीएस व्लॉग्स में। तो अभी टाइम हो चुका है भाई सुबह के अप्रोक्सीमेटली, देखो भाई टाइम ही दिख पा रहा है, हाँ सुबह टाइम हो गया सुबह अप्रोक्सीमेटली 10:05, एंड भाई मौसम आज बड़ा ख़राब है भाई अपने यहाँ भी। आई मीन मौसम देखते हैं आप, बिल्कुल बादलों वाला है ऐसे ही मौसम रहा तो ऊपर तो स्नोफॉल शुरू हो जाएगी, इस हिसाब से फिर ऊपर जाना होगा। तो सो फिलहाल अभी चलते हैं हम थोड़ा काम से, जिस काम के लिए हम आए थे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। तो फिलहाल रात को थे हम अपने फ्रेंड के पास यहाँ पे, तो सुबह अभी ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड फ्री हो गया, निकलते हैं भाई यहाँ से अभी। तो अभी आप देख सकते हैं मौसम भाई आज कुछ ख़राब ही है, और मैंने सोचा था कि आज मैं वापस चला जाऊँगा जहाँ कल कर्स होगी, कल रात को पहुँचा था, सोचा था आज फ्री होकर दोबारा चला जाऊँगा। टूरिस्ट भाई यहीं से शुरू हो गए हैं, पहाड़ियाँ दिख रही हैं इनको, यहीं से शुरू हो गए हैं। अभी तो पहाड़ियाँ बहुत हैं भाई, ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, अभी तो आगे पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, यहीं से शुरू हो जाते हैं। होता है ऐसा, कहीं आते हैं वो शुरू हो जाते हैं। हम जैसे पहले जब नए नए हम प्लेन एरियाज में जाते थे चंडीगढ़ दिल्ली साइड, तो हम भी भाई शुरू हो जाते थे, ये नेचुरल रहता है ये। तो फिलहाल ये इतना सा स्ट्रेच तो ये सीधा है भाई, आप नीचे सतलुज देख सकते हैं, यहाँ से दिखेगी नहीं, सतलुज है नीचे बह रही है। सो फिलहाल यहाँ से अब सीधा ही है भाई, यहाँ अलाइनमेंट टेस्ट कर लेते हैं। देखो इसके अलाइनमेंट ना, ये देखो कहाँ जा रही है गाड़ी, देखो हालांकि मैंने अलाइनमेंट कराई थी फिर भी करवानी पड़ेगी आज दोबारा, दोनों टू में करवाऊँगा अलाइनमेंट भी, ये देखो भाई। सो भी पहुँचने वाले हम अपने डेस्टिनेशन में, तो फिलहाल चलते हैं आगे और थोड़ा सा फ्री होते हैं हम। टाइम हो चुका है करीबन 10:30 के आसपास, अब मिलते हैं भाई आपसे शाम को ही, जब फ्री होंगे डायरेक्ट तभी मिलेंगे। अब टाइम हो चुका है दोपहर के, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं और अभी हो गए हैं फ्री। सो फिलहाल चलते हैं भाई गाड़ी के पास, गाड़ी भी लास्ट में पार्क हुई है भाई, लास्ट में जाके एंड में। तो देखते हैं भाई ट्रक्स वगैरह काफ़ी। सो फिलहाल चलते हैं भाई गाड़ी के पास, और फिलहाल का ऐसा प्लान है कि शायद करसोग निकल जाएं। तो यहाँ पे अभी अपनी गाड़ी सबसे यूनिक लगती है भाई, मैं टच वुड मुझे काफ़ी अच्छी लुक लगती है इसकी भाई। इसका मतलब जो ये शीशे है ना, शीशे का जो डाउन वाला लेवल है ना भाई, एक बराबर है भाई इसका, मतलब ये बड़ा क्लासी लगता है। अगर इसमें ब्लैक करा देते ना फिल्म, तो भाई क्लासी लुक आनी थी इसकी भी, बट देखते हैं भाई क्या बनता है। तो अभी पहुँच गए हैं भाई सलापड़ पुल, सलापड़ का पुल है भाई ये, सामने जो आप देख पा रहे हैं ना, ये कोल डैम को जाता है भाई रास्ता सीधे, और बहुत ही मतलब 90 डिग्री पुल है साला, आई मीन वहाँ से सीधा और फिर ऐसे भाई एकदम 90 डिग्री, मतलब बनाने वाले को भी क्या, एकदम ऐसे और एकदम ऐसे। तो गाड़ी भाई बीच में खड़ी हुई है, दिस इज राज एंड भाई आप देख सकते हैं सतलुज नीचे, अभी आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो नहीं दिख पा रही थी। अब फिलहाल अभी तो प्लान ऐसा है कि अब निकल जाएंगे हम अपने वापसी करसो के लिए, जहाँ से कल आए थे भाई ना, और मेरे साथ मेरे मम्मी वगैरह और भी जाएंगे कोई, तो चलिए फिलहाल देखते हैं। अभी ज़्यादा तो व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अभी, तो देखते हैं छोटी छोटी क्लिप्स अगर मैं डालूंगा तो, क्योंकि भाई अब पिछला व्लॉग भी आपने वही देखा, अब आज का व्लॉग भी आप वही देखेंगे, तो सेम चीज़ों में क्या मतलब कोई सिमिलरिटीज़ हैं दोनों में, तो फिर बोर हो जाते हैं भाई देख के ना। देखो भाई कितना शार्प टर्न है भाई, चलिए फिलहाल निकल लेते हैं भाई आगे, फिर आगे ही मिलते हैं आपसे। रात को पहुंच गए थे भाई हम करसोग 8 बजे, तो फिर आधी बार मैंने ब्लॉग किया नहीं शाम को, तो अभी दिया भाई गाड़ी स्टार्ट, तो अभी जाने कहीं घूमने का दिन है संडे का, हम देखते हैं। मेरे घर से भी आया, मैं छुट्टी थी इसलिए फिर घर से भी आ गए थे, कहते कि चलते हैं हम भी एक संडे या फिर घूमाते हैं थोड़ा सा। अभी गाड़ी किया जस्ट स्टार्ट, तो टाइम हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 1 का, तो चलिए अभी इस व्लॉग को कर देंगे आज यहीं पे एंड। फिलहाल चलते हैं धीरे धीरे कहीं घूम लेते हैं हल्का फुल्का सा, उसके बाद फिर चलते हैं भाई यहाँ से। भाई गाड़ी कर दिया कुछ ऐसी जगह पार्क, हम देखते हैं, थोड़ी सी तो गाड़ी बाहर है रोड पर, बट चलो ठीक है, भी जा रहे हैं भाई मंदिर ममलेश्वर महादेव के, तो वहाँ पे सामने कुछ मंदिर मंदिर हो गया फ्री, बहुत रास्ता भाई तो दर्शन हो नहीं पाए, तो अभी
कल आज संडे करके भाई बहुत रश था, कल आते हैं मंदिर में दर्शन वगैरह करते हैं, फिलहाल चलते हैं वापिस ही गाड़ी के पास कहीं और मंदिर में घुमाते हैं। हम तो क्या ही घूमते रहते हैं, बट ये कि घर वाले आए हैं तो उन्हें घुमा लेते हैं। अभी आ गए हैं हम कामाख्या मंदिर में, से वीडियो तो यहाँ बना नहीं सकते बट छोटी सी वीडियो बना लेते हैं भाई। मम्मी भी आए थे मेरे साथ और हम आए थे अभी मंदिर में और आज में फटाफट से ये एकदम परिक्रमा रहती है कर लेते हैं। यहाँ भी भगवान जय हो भाई। ये बिल्कुल प्राचीन मंदिर है, लकड़ी का बना हुआ पुराना मंदिर। अभी टाइम हो चुका है भाई शाम के अप्रॉक्सीमेटली 4 hours। अभी आ गए थे हम भाई अपने रूम वापस। सो भाई धूप कुछ ऐसी ही है आज ना, कच्ची सी धूप है और ठंड लग पड़ी है होने ना। वैसे तो लोहड़ी के टाइम हमेशा बारिश होती ही होती थी बट अभी कुछ चांसेस नहीं थे। अभी मैं जस्ट आगे मैंने कपड़े वगैरह कर लिए चेंज भाई, तो फिलहाल अभी इतना था नहीं व्लॉग में कुछ बताने को क्योंकि बेसिक ही था सारा। बाकी आप देखते हैं आगे में इसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, तो जिसमें आगे जो थी वो बाहर लाइट मैंने खोल दी थी। एंड फिलहाल कल ना एक इशू हो गया था, इसकी चाबी फंस गई थी एक्चुअली, अंदर रह गई थी, मैंने लॉक कर दी थी रात में जब पहुंचा था, और फिर ना तार डाल के जैसे मैंने चाबी निकाली। सो यहाँ पे ना सारे देखो देख रहे हो स्क्रैचेस, देख रहे हो ये सारे स्क्रैचेस भाई, उस तार से बहुत बड़ा रोल था तो उससे ये सारे स्क्रैचेस पड़ गए भाई। तो चलिए फिलहाल करते हैं आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग जो है पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही 30 days वाली चैलेंज सीरीज देखने के लिए भाई सब्सक्राइब करें DS Vlogs। मिलते हैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।